हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज द सुजुकी जिक्सर SF150। ये 155 सीसी बाइक सेगमेंट में आती है और ये यामाहा R15 V4 के साथ कम्पीट करती है। काफ़ी अच्छा कंपटीशन है दोनों ही बाइक्स में। इसका आज हम रिव्यू करेंगे, इसमें क्या कुछ ऑफर किया जाता है और क्या ये R15 V4 से बेटर है या वर्थ बाइंग है, उसकी भी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं तो इस बाइक के लुक्स काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी स्टाइलिश है। यूथ कम्युनिटी में इस बाइक को काफ़ी कंसिडर किया जाता है और फीचर वाइज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे हेडलाइट्स जो है वो कम्प्लीटली LED हेडलाइट्स का यहाँ पे सेटअप दिया गया है और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। डिज़ाइन वाइज चॉइस करने है, सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट्स ही दी गई है। विंडस्क्रीन आपको मिल जाती है जो कि टेंटेड नहीं है। साइड मिरर्स भी जो है आपको ब्लैक कलर फिनिशिंग में ही मिलते हैं और डिज़ाइन वाइज काफ़ी डायनामिक है और राइड करने में, हैंडलिंग में भी ये काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट में आपको जो टायर्स है उनकी साइज मिलती है 100, 80, 17 और यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं विथ ABS। फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और एलॉय व्हील्स हैं और यहाँ पे रेड कलर के एक्सेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्क भी काफ़ी बढ़िया मिलती है और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। इंडिकेटर्स जो है वो आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। आप LED के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी आप करा सकते हैं। पहले कम्प्लीटली रेड एंड ब्लैक थीम में ही है। जिक्सर आपको जो है वो थीम सी स्टिकर्स आपको यहाँ पे बॉडी पे मिल जाते हैं। सुजुकी की यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ब्रांडिंग मिल जाती है। इंजन की बात करते हैं तो इसमें मिलता है 4-stroke 1-cylinder एयर कूल्ड 155 cc इंजन जो प्रोड्यूस करता है 13.6 PS की पावर और 13.8 Nm ऑफ टॉर्क विथ 5-speed गेयरबॉक्स और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम सी फिनिशिंग दी गई है। पियानो बैक ट्रीटमेंट मिल जाती है। SEP टेक्नोलॉजी जो कि सुजुकी की टेक्नोलॉजी वो भी इस बाइक में दी गई है। एग्जॉस्ट पे जो है क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है। डुअल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं और क्रोम ट्रीटमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आता है। रियर के जो टायर्स हैं वो भी आपको उनकी साइज़ मिलती है 140/60R17। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है फ्रंट टायर से, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं और रियर के जो सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म सस्पेंशन है। रियर एलॉय व्हील पे भी आपको रेड एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं और ये बढ़िया है कि दोनों भी टायर्स पे आपको जो है डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो रियर से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स अगेन हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। LED के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। साइज़ काफ़ी छोटी मिलती है बट वी शेप में यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स दी गई है और यहाँ पे दो हैंडल्स भी दिए गए हैं जो भी रियर में पैसेंजर होगा उसके लिए। और लुक वाइज मुझे ये बाइक काफ़ी पसंद है, बट आप अगर R15 V4 से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा R15 V4 का लुक थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्निस्टिक लगता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है 12 लीटर्स की और इसमें जो है कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल जो है रिसेंटली रिव्यू किया था सुजुकी एवेनस का, जो कि एक स्पोर्टी स्कूटर है, उसमें भी आपको सेम मिलता है। हैंडल पे जो है हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न के लिए यहाँ पे स्विच दिए गए हैं और राइट साइड में आपको जो इग्निशन के लिए मिलता है स्टार्ट स्टॉप वाला स्विच यहाँ पे मिल जाता है। वैसे एक छोटा सा इशू मुझे इसमें लगता है कि इसका जो गियर शिफ्ट वाला पेडल है वो काफ़ी छोटा है साइज में और इतना स्ट्रांग नहीं लगता वो जितना R15 V4 में है। तो अगर वो पेडल को चेंज किया जाए, थोड़ा सा बड़ा पेडल अगर वहाँ पे दिया जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा गियर शिफ्ट करने में। एज सच बाकी कोई इशू इस बाइक में मेरे को नहीं लगता, बट वो गियर शिफ्ट जो है वो ठीक से नहीं हो पाते कभी कभी, तो वो एक यहाँ पे छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है। बाकी हैंडलिंग वाइज राइड वाइज बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1.32 lakh rupees एक शोरूम से। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट सुजुकी जिक्सर SF150। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।